Ayurveda view about obese and fatty constitution and characteristics. हेलो, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ जो पिछले कई दिनों से चल रही है और जो आयुर्वेद का शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आप सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। यह इसलिए ज़रूरी है कि आप सब लोग जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं या जो आपका देह का जो बनावट है, शरीर की जो बनावट है, वो आयुर्वेद के अनुसार किस तरह की है और उसमें क्या क्या गुण बातें हैं उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और बहुत कुछ जान पाएंगे ताकि जो स्वास्थ्य की जो नियमित समस्या है जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी रखनी चाहिए कि जीवन बहुत लंबा है और उसको किस तरीके से स्वस्थ हो करके जीवन जिया जाए और स्वस्थ हो करके अपने सारे काम किए जाएं, क्योंकि ये कहा गया है कि सभी सुखों में सबसे पहला सुख है निरोगी काया। तो जो 8 तरह के सुख बताए गए हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर ही है कि जो निरोगी काया होगी, यानी ऐसी काया, यानी ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर आप जो जीवन का आनंद है या जीवन जीने की जो तमन्ना है या जीवन जीने का जो लक्ष्य है वो आप हासिल कर पाएंगे और उसी के लिए ये सारे प्रयास किए जाते हैं। कोई भी नहीं चाहता है, हम में से आप में से कोई भी नहीं चाहता है कि वो बीमार रहे, तकलीफ भोगे और स्वस्थ ना रहे। सभी के मन में ये कामना होती है कि वो स्वस्थ रहे और ऐसे स्वस्थ विचारों के साथ हम आपको नित्य नई नई जानकारियाँ देते हैं जो आयुर्वेद से और विज्ञान से जुड़ी हुई हैं और इन सबको पालन अगर करेंगे तो आप फायदा ही उठाएंगे, उसमें आपका नुकसान कोई नहीं है, सिवाय फायदे ही फायदा है, नुकसान का कोई भी अंश इसमें शामिल नहीं है। पालन करेंगे अवश्य आपको फायदा होगा। तो मैं कल आपको मोटे शरीर के बारे में बता रहा था कि मोटे शरीर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और शरीर उनका स्वस्थ नहीं रहता है। वो देखने में भले गोल मटोल लगे, अच्छे लगते हैं, मोटे लोग जो है बड़े खूबसूरत होते हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है। तो मैंने आपको पिछले कल बताया था कि जो मोटे लोग जो भी खाते पीते हैं वो उनके शरीर में बड़ी तेज़ी से लगता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है सामान्य से अधिक कार्य करता है। जब मेटाबॉलिज्म सामान्य से अधिक कार्य करेगा तो स्वाभाविक है कि वो जो परसेंटेज है उसका खाने पीने का वो ज़्यादा एसिमिलेट होगा और उनके शरीर में बड़ी तेज़ी से लगेगा। तो जब वो लगेगा तो वो जो चर्बी है या और दूसरी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो सब शरीर में अधिकतम मात्रा में पहुंचती है और इसलिए वो मोटे होते चले जाते हैं। यानी कि वो डिपोजिशन है जो फैट का है, कार्बोहाइड्रेट का है और जो प्रोटीन से का है, वो सब उनके अंदर बहुत अधिकतम
हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और ये सब चीज़ें मांसपेशियों में ही इकट्ठा होते हैं, जो शरीर की मांसपेशियां हैं, लीवर है, वो रिजर्वायर होते हैं इनके, तो सारी चीज़ें जो वो उसी में इकट्ठा होती हैं। तो जो खाए हुए भोजन का रस है वो चर्बी में कन्वर्ट होता है, और चर्बी में कन्वर्ट होने से ही उसमें मनुष्य जो है मोटा या स्थूल होता है, स्थूलता उसी से आती है। तो ये एक बेसिक चीज है। अब जो मोटे शरीर वाले हैं उनको जो है बहुत सी तकलीफें होती हैं, मैं वो गिना रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो है मैं स्मरण कराए दे रहा हूँ। एक तो उनके सांस बहुत फूलती है, मोटे लोगों की जो है अगर वो ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या ज़्यादा जो है मेहनत का कोई काम करेंगे तो उनकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है, और निद्रा जो है वो उनको बहुत ज़्यादा आती है, प्यास भी जो है बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत लगती है, और उनके पसीने से एक तरीके की जो है गंध आती है, वो गंध अच्छी नहीं होती है, गंध जो है ज़रा थोड़ा एवाइडेबल होती है। तो ये गंध इसलिए है क्योंकि जो प्रोटीन है और जो फैट है इसका जब वो सार भाग उसका निकलता है पसीने से त्वचा के जरिए, तो जो उसमें अनएवाइडेबल चीज़ें होती हैं वो सब बदबू पैदा करती है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हार्मोनल एक्शंस होते हैं उनमें जो केमिकल चेंजेस पैदा होते हैं वो सब पसीने के साथ में अधिकता के साथ निकलते हैं, तो थोड़ा सा ये बदबू जैसी जो है उसमें गंध जैसी आती है, उसको आप कह सकते हैं। और गले से घर घर का जो है वो शब्द निकलता है, घर 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 खड़खड़ाने की आवाज आती है। अंगों में थकान होती है और इसी तरह की जो दिक्कतें हैं वो उनको घेर लेती हैं, जो मोटे लोग हैं उनको इन सब चीज़ों में वो घोल लेते बढ़ती हैं ये। और जो मेहनत वाले काम होते हैं वो मोटे आदमी नहीं कर पाते हैं, उनको उससे दिक्कत होती है। तो ये जो उनके शरीर में प्रमेह जो है, जो कहा गया है कि डायबिटिक जो मरीज होते हैं वो अधिकतर मोटे ही लोग होते हैं, उनको ज़्यादा संभावना होती है, मोटे लोगों को डायबिटीज होने की अधिक संभावना होती है कंपेरेटिवली टू अदर्स। लेकिन अब तो देखने में आया है कि मोटे भी नहीं है, दुबले लोगों को भी अब डायबिटीज जैसी तकलीफें होने लगी हैं, इसलिए कहा तो नहीं जाता है, लेकिन ये एक संभावना मोटे लोगों को जो बड़ा बहुत मेदस्वी होते हैं, स्थूल होते हैं, उनको ये संभावना बनी होती है। दूसरा, मोटे लोगों को जो छोटी छोटी जो है फुंसियों की या त्वचा के जो रोग हैं ये होते हैं, त्वचा के देखे गए हैं कि उनके पैरों में छोटी छोटी फुंसियाँ जैसी निकलती है, खुजलाहट ऐसी होती है, और जो दूसरी दिक्कतें हैं वो भी होती हैं। तो ये असल में डायबिटीज के साथ में प्रमेह पीड़िका नाम की तकलीफ होती है, वो प्रमेह पीड़िका उनको होती हैं, और इसी के साथ उनको बुखार की दिक्कत होती है। बहुत से जो मोटे लोग हैं उनको भगंदर की भी तकलीफ होती है, फिशुला जैसी तकलीफें हो जाती हैं, या कोई घाव जैसे होते हैं, इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। बहुत से लोगों को देखा है कि उनको स्किन के जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि हाथ पैरों में बहुत से घाव जैसे जो है छोटे छोटे घाव जैसे होते हैं, इस तरह की भी तकलीफें होती हैं, और कोई वायु रोग जो है किसी तरह का उनको हो सकता है। तो वात रोग जो है वो उससे ये परेशान, इन सब तकलीफों से वो ज़्यादा पीड़ित होते हैं। और
जो इनके स्रोत होते हैं आयुर्वेद में जो चैनल्स बताए गए हैं, प्राणमय स्रोत हैं, वेदमय स्रोत हैं और दूसरे जो स्रोत हैं मांसमय स्रोत हैं, तो जो स्रोत होते हैं वो स्रोतों दुष्टि जो है मोटे लोगों में अधिक होती है। उसका कारण ये है कि जो चर्बी खाल के नीचे या त्वचा के नीचे बैठ जाती है या इकट्ठा हो जाती है, उससे उनका जो स्तर है चर्बी का वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से, चर्बी के बढ़ने से जो रक्त वहन संस्थान है, जो खून कायदे से बहता है नाड़ियों के अंदर, वो नहीं बह पाता है सुचारू रूप से और आसानी से सुगमता से नहीं बह पाता है, उसमें रुकावट आती है। तो उससे जो और दूसरे चैनल्स होते हैं जैसे पसीने निकलने की जो विधि होती है उसमें भी बाधा पड़ती है। तो इस तरह की जब बाधा आती है तो बाधा से ये दिक्कतें पैदा होती हैं। तो जो उस वजह से जो एक टेंडेंसी होती है मोटे लोगों की कि उनको कोई भी बीमारी, कोई भी हल्का सा इन्फेक्शन, कोई भी हल्की सी जो मौसम में बदलाव है वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो बड़ी जल्दी वो उनकी टेंडेंसी ऐसी बन जाती है कि वो बड़ी जल्दी, मतलब ये कहा जाए प्रॉन टू एनी काइंड ऑफ डिसीज एंड डिसऑर्डर, मतलब वो इतना ज़्यादा झुकाव उनका जो है बन जाता है कि वो कोई भी छोटी मोटी तकलीफ हो उसको भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो ये मोटे लोगों का है। अब इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद ने जो निर्देश दिए हैं उसमें ये कहा गया है कि मोटापा कम करने के लिए ऐसे व्यक्ति को दुबले करने की व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए, ऐसा खान पान, ऐसी ऋतुचर्या, ऐसी दिनचर्या, ऐसी जो है मासचर्या, ये सब उसको बताया जाए जिससे कि वो अपने मोटापे को कंट्रोल कर सके, बढ़े नहीं, अगर बढ़ा हुआ है तो वो अनुपात में आ जाए, इस तरीके का उपाय करना चाहिए। आचार्यों ने आयुर्वेद, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मोटे लोगों का मैंने इलाज किया है और उनको मैं हमेशा सलाह देता रहा कि आप 4-5-6 किलो वजन, 7 किलो जो भी है वो वजन आप ज़रूर कम कर लें, क्योंकि लंबाई के हिसाब से और शरीर की ऊंचाई के हिसाब से, शरीर के बनावट के हिसाब से जो उचित वजन होना चाहिए वो वजन ज़रूर मेंटेन करें। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है वो 5'7" या 5'8" का है और उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वजन होना चाहिए करीब 65 से लेकर के 75 किलो के बीच में होना चाहिए, इतनी ऊंचाई के व्यक्ति का, क्योंकि अगर इतना वजन नहीं होगा तो वो उसके अंदर जो है वो दुबलापन होगा। अब 65 ना हो, 60 हो, 60 और 65-70 के दरमियान हो तब भी ठीक है, क्योंकि उस इतने अनुपात में उसके शरीर के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर इस साइज का कोई व्यक्ति जिसका वजन 85 किलो है या 90 किलो है तो ज़रूर ये बढ़ा हुआ माना जाएगा और उसको लाने के लिए कम से कम 80 किलो या 75 किलो तक, 10-15 किलो उसका वजन कम होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा ना हो कि उसका वजन कम करते करते जो है वो 55 किलो का हो जाए, क्योंकि वो बड़ी ख़तरनाक स्थिति होती है और इतना वजन जो है वो कम भी नहीं करना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी परसेंटेज है उसका,
वो वजन कम करने का उसके अनुपात में होना चाहिए, ये धारणा है मेरी। और मैंने इसमें प्रयास भी किया मोटापा कम करने के लिए लोगों का, तो उसमें जो 80 जैसे 80 किलो उसका वजन है, तो उसको सलाह दी कि आप पहले 5-6-7 किलो अपना वजन कम करें और फिर उसको मेंटेन करते रहें। तो वो 7 किलो जैसे उसका वजन, 6 किलो उसका कम हुआ, 74 किलो 80 किलो का है उसकी, 6 किलो उसका वजन कम हुआ, 74 किलो का वो उसका वजन हुआ। तो 74 किलो का वजन थोड़े दिनों तक स्टेबल रहने के बाद, 5-8 महीने, 10 महीने या 1 साल स्टेबल करने के बाद, जब उसका शरीर एकस्टमाइज हो जाए, तब उसके बाद सोचना चाहिए कि अब 74 से कितना कम 5 किलो और करें। तो 74 से फिर उसका जो है 5 किलो वजन कम किया गया, 6 किलो कम किया गया, तो 68 किलो तक उसका वजन आया। तो उसको सलाह दी कि अब ठीक है, 68 किलो 70 किलो के बीच में आप अपना वजन मेंटेन रखिए और इसको बढ़ने ना दें। तो वो प्रयास करने से ये सब सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। तो उसमें जो आयुर्वेद में कहा गया है कि वैद्य को चाहिए, यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक को चाहिए कि मोटे शरीर को कर्षण चिकित्सा, कर्षण माने दुबला करने के लिए और दुर्बल करे, और दुर्बल शरीर को भृंगण चिकित्सा द्वारा मोटा करे। यानी कि जो मोटे लोग हैं उनका कर्षण चिकित्सा, उनको दुबला करने की चिकित्सा करे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से जो है वो सारा वजन कम करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, उसको धीरे धीरे कम करके स्टेबल करें, फिर स्टेबल करने के बाद फिर कम करें। ये एक रास्ता बेहतर है और सुरक्षित रास्ता है, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो जो इसमें जो चिकित्सा कार्य है उसमें जो औषधियां हैं उनका तो रोल है ही, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके ऊपर विशेष तौर पर मोटे लोगों को समझाना चाहिए कि वो इस तरह का अगर भोजन करेंगे तो उनको ज़रूर आराम मिलेगी। तो इसमें जो पदार्थ कहे गए हैं कि कौन से पदार्थ फायदा कर सकते हैं मोटापा कम करने के लिए, तो उसमें है कड़वे पदार्थ हैं, यानी जो कड़वा भोजन है, जैसे करेला है कड़वा होता है, अदरक है ये कड़वी होती है, काली मिर्च है ये कड़वी होती है, हरी मिर्च है ये कड़वी होती है, ऐसे पदार्थ यानी कड़वे पदार्थ, कसैले पदार्थ। कसैले का मतलब है ऐसे पदार्थ जैसे करेला है, ये कड़वा भी होता है कसैला भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, इसमें कसैलापन होता है। तो इसी तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं या खाने वाले पदार्थ हैं वो खाने से मोटापा कम होता है। और चरपरे रस का सेवन, यानी ऐसे जो पदार्थ हैं जिनका चरपरा हो, जैसे कि हरी मिर्च और सौंठ होती है, छोटी वाली पीपल होती है, इसका चूर्ण है, और भी बहुत सी चीज़ें, औषधियाँ भी बहुत सी हैं, उनका उपयोग करने से ये जो मोटापा है वो कम होता है। तो 3 पदार्थ मोटे व्यक्ति को हमेशा अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, वो है कड़वे, कसैले और चरबरे। ये इसी तरीके का रस भी हो सकता है, कोई रस भी हो सकता है, जैसे नीम है या गोमूत्र है या आंवला है, ये सब चरबरे और कसैले भी हैं, इनका स्वाद भी उसी तरह का होता है। हरड़ है, उसमें जो है स्वाद इसी तरीके का है। तो मोटे व्यक्ति को इस तरह के जो पदार्थ हैं वो सेवन करेंगे तो उनका मोटापा कम होता है, ऐसा जो है वो आयुर्वेद में कहा गया है। इसके अलावा खट्टा और शहद, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, वो सवेरे खाली पेट शहद पीते हैं, शहद जो है वो नींबू शहद जो है वो लेते हैं, तो उसका तात्पर्य यही है कि खट्टा और जो मधु है, जो शहद है और
जो शहद है और जो खट्टे पदार्थ हैं वो उसको दुबला करने में मदद करते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्रमेह हो, डायबिटीज हो, उनको वो नहीं लेना चाहिए, उनको वो नुकसान करेगा भी। तो इसलिए वो खट्टा तो ले सकते हैं, खट्टा उनको फायदा करेगा, और शहद जो है वो ना ले। वो खाली अगर नींबू का अगर सेवन करेंगे, नींबू के रस का या खट्टे पदार्थ का सेवन करेंगे तो उनको फायदा करेगा। नींबू की सिकंजी है या सिरके की सिकंजी है, सिकंजी सिरका 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी में घोल करके, गन्ने का सिरका या जामुन का सिरका, अगर प्रमेह है, प्रमेह अगर नहीं है तो फिर कोई भी सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रमेह है तो जामुन का सिरका इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा प्रमेह में भी होगा और ये मोटापे में भी होगा, दोनों में ही होगा। मकसद ये है कि ये सब चीज़ें खाने से जो चर्बी है वो कम होती है और चर्बी घुलती है। ये कड़वे कसैले और चर्बरे पदार्थ खाने से मोटापा कम होता है। कम इसलिए होता है कि ये पदार्थ जो हैं ये सब उसको चर्बी को मेटाबोलाइज करते हैं और उसको पतला बना करके शरीर से निकाल देते हैं। पचा हो या अनपचा हो, डाइजेस्टेड हो या अनडाइजेस्टेड हो, वो उससे निकाल देते हैं। तो ये जो मोटापा का ट्रीटमेंट है इसमें ये 3 पदार्थ कहे गए हैं, कड़वे कसैले और चरपरे, ये जरूर सेवन करना चाहिए। मीठा खाने से, नमकीन खाने से मोटापा बढ़ता है, ये हमेशा ध्यान रखें कि मोटापा बढ़ाने में जो मीठा पदार्थ है, जो नमकीन पदार्थ है, ये बढ़ाता है, दो चीज़ें। तो मीठे पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। जो भी है कार्बोहाइड्रेट होता है मीठा पदार्थ, तो कार्बोहाइड्रेट इसको कम करना चाहिए। और जो नमकीन है, बहुत सी नमकीन चीज़ें होती है, नमक है, जैसे डायरेक्ट नमक है, इसका सेवन कम करना चाहिए। और कड़वे कसैले और शरपरे रस का सेवन है, जैसे कि आंवले का रस है, नीम का रस है, ये करेले का रस है, एलोवेरा का रस है, और इसी तरह से जो कड़वी चीज़ें हैं, जो काली मिर्च है उसका रस है, हल्दी कड़वी होती है, कसैली भी होती है, हल्दी भी ले सकते हैं, इनको सबको मिला करके और इसका जो सेवन है वो करना चाहिए। तो ये मोटापे का एक जो कुदरती ट्रीटमेंट है, जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है और जो लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है, उस जो सुरक्षित ट्रीटमेंट है, जो सुरक्षित इलाज है, वो इसके अडॉप्ट करने से अचीव होगा। और बहुत जल्दी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ती है, अगर ये साथ में कसरत करें या मेहनत वाला काम करें, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है, हृदय संबंधी कोई तकलीफ नहीं है, ब्लड प्रेशर जैसी कोई तकलीफ नहीं है, तो वो मेहनत वाला काम कर सकते हैं, कसरत वाला काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको हृदय रोग है या और कोई इसी तरह की दिक्कत है तो वो ये ना करें। वो केवल सवेरे शाम आधे घंटे के लिए या आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के लिए सवेरे और शाम दोनों वक़्त पैदल चलें। पैदल चलने से मोटापा जो है वो घटता है और शरीर का अनुपात बेहतर होता है। मांसपेशियां सारे शरीर की, पैदल चलने से सारे शरीर की मांसपेशियां हरकत में होती हैं, और हरकत में होने से जो उनके अंदर एक्स्ट्रा फैट है या एक्स्ट्रा प्रोटीन है या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, वो सब जो जमा हुआ होता है वो हट जाता है। और इस तरह से जो बेडौल शरीर होता है वो सुडौल बन जाता है, अच्छा बन जाता है। तो इसमें जो कड़वे कसैले चरबरे पदार्थ हैं उनको खाना चाहिए। और
औषधियों में जो है वो जरूर कहा गया है। तो जिन औषधियों का मैं नाम ले रहा हूँ वो अगर सेवन करना चाहते हैं तो अपने नज़दीक के जो कोई आयुर्वेद का डॉक्टर हो या आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर हो, अच्छा अनुभवी होना चाहिए, उससे ज़रूर बात करें। मैं आपको थोड़ी औषधियाँ बताए दे रहा हूँ कि मोटापा कम करने के लिए शिलाजीत का सेवन बेहतर है। इसके अलावा गूगल का सेवन भी बेहतर है। गूगल घटित जो दवाइयाँ हैं या गूगल घटित औषधियाँ, गूगल घटित का मतलब है जिन दवाओं में गूगल पड़ा हो या गूगल से बनी हुई दवाएं हो, उनके अंदर गूगल पड़ा हो, वो औषधियाँ। और शिलाजीत से मतलब है कि जो जिन औषधियों में शिलाजीत का मिश्रण किया गया हो वो औषधियाँ, क्योंकि आयुर्वेद की औषधियाँ ज़्यादातर जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके चूर्ण और मिनरल्स के मिले हुए जो आधार होते हैं उनमें शिलाजीत है, गूगल है, इनके आधार लेकर के भी दवाइयाँ बनाई गई हैं। तो ये शिलाजीत है, गूगल है, इनसे बनी औषधियाँ, गोमूत्र या गोमूत्र से बनी हुई औषधियाँ, गोमूत्र भी फायदा करता है, चर्बी कम करता है। और त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला का चूर्ण, ये भी फायदा करता है। जैसे मैंने कहा था कि कसैला कड़वा और चरपरा है, ये त्रिफला में तीनों रस होते हैं, ये फायदा है। और रसौत है, शहद है, जौ, मूंग और कूट जैसे जो है पदार्थ खाना चाहिए, यथाविधि जो है इनका सेवन करना चाहिए। और मोटे से दुबले करने वाले जितने भी उपाय हैं वो सब आजमाने चाहिए, जैसे कि मैंने कसरत के लिए कहा था। तो चरक ने जो है वो लिखा है कि वातनाशक जो चिकित्सा है इसके लिए, वातनाशक कफ मेद हारक, यानी कि वायुनाशक जो चिकित्सा है वो, और जो कफ और मेद जो धातु है इसको हरने वाली वो चिकित्सा, खान पान, गिलोय और मोथे का काढ़ा, त्रिफले का काढ़ा, छाछ, वायुविडंग, सौंठ, जवाखार, जो आमलों का चूर्ण, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मोटापा नष्ट करती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं और इनको जो भी चिकित्सा करें ये धीरे धीरे बढ़ावें, एकदम से जो है वो कोशिश ना करें कि सब आनन फानन में हो जाए। तो ये मोटापे की चिकित्सा के लिए मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको और सूचना देना चाहता हूँ कि हमने, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन आप शुरू करिए, तो उसकी हमने सुविधा शुरू कर दी है ऑनलाइन कंसल्टेशन की। तो जो लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, हमारे रिसर्च सेंटर में आ जाए अगर चिकित्सा के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज हैं और उनको आने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा शुरू की है। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 8604629190 पर संपर्क कर लें और बात कर लें। आप हमारे ईमेल एड्रेस drdvvajpayee@gmail.com पर संदेश भी भेज सकते हैं और हमारी तरफ से आपको सारी आवश्यक जानकारी दे दी जाएगी, ये ध्यान रखें। वैसे जो काफ़ी दिनों से चिकित्सा करा रहे हैं और उनको कोई आराम नहीं मिली है किसी भी तरह का इलाज करने से, वे हमारे यहाँ आ सकते हैं और हमारे जो केंद्र में बीमारियाँ ठीक हुई हैं उनमें मिर्गी, स्टीरिया, सफ़ेद दाग, सोराइसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस,
एक वो पैंक्रियाटाइटिस, HIV, मस्कुलर एट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिशुला जैसी बीमारियां हैं जिसमें ल्यूकोप्लेकिया भी शामिल है और साइटिका भी है। तो जितने भी रोगी हमारे यहाँ ये सब आए हैं बीमारियों के, वो सभी 100% ठीक हुए हैं। और एकदम तरीका हमारे यहाँ इलाज का अलग है। जो आयुर्वेद की नवीन आविष्कार की गई तकनीक है ETG आयुर्वेदा स्कैन, हम उसका सहारा लेकर के पहले परीक्षण करते हैं सारे शरीर का, और उसके बाद रक्त का परीक्षण और मूत्र का परीक्षण, जो आयुर्वेद के दोनों परीक्षण हैं ये डेवलप किए गए हैं हमारी अपने रिसर्च सेंटर में, उसका आधार लेकर के हम ये जेनेसिस का पता करते हैं, जड़ बुनियाद पता करते हैं कि क्या बीमारी है, और फिर उनको हम बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ में मरीज को बताते हैं और उसका प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं। हम अपने यहाँ से कोई भी दवा नहीं देते हैं, सारी दवाइयाँ बाजार की लिखते हैं जिनमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और एलोपैथी की दवाइयाँ शामिल होती हैं। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। तो अगर कोई ऐसा रोगी है तो उसको ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं और उनको भी जुड़ने के लिए आयुर्वेद से प्रेरित करें। हमारा उद्देश्य आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और दूसरी जो चिकित्सा विधियां हैं उनके फायदों और आप लोगों को जनसाधारण में उनकी प्रचार प्रसार करने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए है, और हमारे इस मिशन को सफल करें ताकि लोग पुरानी व्यवस्था पर फिर आवें और अनावश्यक जो तकलीफें उनको उठानी पड़ती हैं उससे बचें। हमारे प्रयास को सफल करने के लिए आपकी एकजुटता भी जरूरी है, तो इस पर हमको सपोर्ट करें। कल फिर आपसे मिलेंगे शाम को 7 बजे एक नए विषय के साथ में। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उस पर आपको अवश्य जानकारी देंगे। हमारी टाइम लाइन में लिखें या हमें ईमेल भेजें या हमें फ़ोन करें। धन्यवाद, नमस्कार। क्या आप किसी ऐसे रोग से परेशान हैं जिसका आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं और आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें? ऐसे सभी रोगियों को मेरी सलाह है कि वो आयुर्वेद की आधुनिक ईजाद की गई तकनीक ETG आयुर्वेदा स्कैन और आयुर्वेद के रक्त और मूत्र परीक्षण की जांच के आधार पर अगर इलाज कराते हैं तो उनको जिस बीमारी से वे परेशान चल रहे हैं उसमें जरूर और अवश्य उनको सफलता मिलती है। एपिलेप्सी, ल्यूकोडर्मा, प्रगंधर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, HIV, फीमेल हार्ट डिसऑर्डर्स, नेफ्राइटिस, बच्चों के रोग, ऑपरेशन करा लेने के बाद अगर कोई बीमारी नहीं ठीक होती है तो उनका सबका इलाज हमारे रिसर्च केंद्र कनकपाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड से संपर्क करें और आयुर्वेद की नई ईजाद की गई तकनीक का फायदा उठावें। याद रखें और भूलिए नहीं, असाध्य रोगों के इलाज का एकमात्र स्थान और सभी बीमारियों का, चाहे वो सिर से लेकर के पैर तक की कोई भी बीमारी हो, उनका आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी दवाओं द्वारा इंटीग्रेटेड इलाज और आयुर्वेद की आधुनिक तकनीक ETG आयुर्वेदा स्कैन द्वारा परीक्षण कनकपाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर भूसा टोली रोड बरसन बाजार कानपुर, मोबाइल 8604629190 पर संपर्क करें। धन्यवाद।